हल्द्वानी में नैनीताल क्लस्टर अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न। बीते 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को हल्द्वानी में नैनीताल क्लस्टर अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न रहा। अधिवेशन को दो सत्रों में बांटा गया, जिसमें पहले सत्र का विषय था लोकतांत्रिक व्यवस्था में विषमतावादी तानाशाही के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन, समय की मांग, जबकि दूसरा सत्र प्रतिनिधि सत्र रहा, जिसका विषय था भारत का संविधान और लोकतंत्र के लाभार्थियों का कर्तव्य उद्घोष। मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं MNG न्यूज नेटवर्क। हल्द्वानी में स्थित डॉक्टर अंबेडकर ग्राउंड में बीते 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को नैनीताल क्लस्टर अधिवेशन आयोजन किया गया। BS4 यानी भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन राष्ट्रव्यापी महाजन जागरण अभियान के तहत आयोजित इस क्लस्टर अधिवेशन में हजारों की संख्या में मूल निवासियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम से पहले संविधान जन चेतना रैली भी निकाली गई, जिसमें BS4 और संविधान से संबंधित नारे लगाए गए। रैली मुख्य मार्गों से होते हुए वापस कार्यक्रम स्थान पर पहुंची, जहां BS4 के ध्वज का ध्वजारोहण कर अधिवेशन की शुरुआत की गई। अधिवेशन में क्लस्टर के विभिन्न क्षेत्रों से संविधान प्रबोधक व अन्य विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता तथा आम जन के साथ लगभग 1000 की संख्या से भी अधिक लोगों ने सहभाग किया। अधिवेशन में बामसेफ, मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ, मूल निवासी सभ्यता संघ जैसे संगठनों के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता समेत कई संवैधानिक प्रबोधक उपस्थित रहे। इस क्लस्टर अधिवेशन को दो सत्रों में बांटा गया, जिसमें पहला सत्र यानी उद्घाटन सत्र का विषय था लोकतांत्रिक व्यवस्था में विषमतावादी तानाशाही के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन, समय की मांग, जबकि दूसरा सत्र प्रतिनिधि सत्र रहा, जिसका विषय था भारत का संविधान और लोकतंत्र के लाभार्थियों का कर्तव्य उद्घोष। दोनों सत्रों के विषयों पर मुख्य वक्ताओं व संविधान प्रबोधकों ने भी मार्गदर्शन किया तथा इस मौके पर सभी ने संविधान प्रबोधक बनने और बनाने की जिम्मेदारी का संकल्प भी लिया। संबंधित विषयों पर वक्ताओं ने खुलकर अपने विचार रखे, जिसमें संविधान प्रबोधक मूल निवासी ललित कुमार ने कहा कि संविधान से छेड़छाड़ 132 KV के बिजली के तार से की गई छेड़छाड़ की भांति भारी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मूल निवासियों को एक सफल जन आंदोलन की मांग की परिपूर्ति के लिए फेसबुक, यूट्यूब, परिवार और पैराशूट से टपके नेताओं से सावधान रहकर स्ट्रॉन्ग नेता से ज्यादा समाज और संगठन से कंट्रोल रहने वाले नेताओं का निर्माण करना होगा। अन्य वक्ताओं ने BS4 के तहत देश भर में चलाए जा रहे इस क्लस्टर अधिवेशन की जमकर तारीफ की और विश्वास दिलाया कि एक शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण के लिए देश के नागरिक संविधान जागरूकता के इस महाजन जागरण अभियान से जुड़कर अपनी भूमिका अदा करेंगे। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।